बदायूं के नवादा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत प्राइवेट सरकार हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों रियाज अहमद पुत्र मुइन उद्दीन अहमद निवासी दरगाह कॉलोनी सागर का ताल नवादा थाना सिविल लाइन ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पिछली 23 तारीख को वह अपने भाई रईस अहमद को बीमार होने पर सरकार हॉस्पिटल लेकर गया था, जहां उसने अपने भाई को भर्ती कराया था। आरोप है कि उपचार के दौरान 4-5 डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। हालत खराब होने पर बरेली ले जाने के लिए डॉक्टर साहब कहने लगे। पीड़ित का यह आरोप है कि उपचार के लिए पहले ही 50,000 रुपये जमा करा लिए थे। इसी दौरान पीड़ित के भाई की मौत हो गई। पत्र के माध्यम से उसका आरोप है कि उसके भाई की मौत गलत इंजेक्शन और डॉक्टर की लापरवाही के चलते ही हो गई थी। तब कहने लगे जाओ लेके जाओ, तो कहीं ना पाए, इतनी देर में खत्म हो गई। ठीक है, ये बात डॉक्टर ने कही थी आपसे? फिर आप उन्हें कहीं लेके गई? कहीं ना लेके जा पाए, फिर वहीं पे मतलब उनकी मौत हो गई। तो गलत इंजेक्शन लगने से ही मौत हुई उनकी क्या? जी हाँ। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई जा रही है क्या? डॉक्टर से हम कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, गलत इंजेक्शनों की वजह से ही हमारे पति की डेट हुई है, मौत हुई है। हम चाहते हैं किसी और कोई परेशानी न हो, अस्पताल झील हो जाए। पीड़ित का आरोप है कि उसने व उसके परिवार के सदस्यों ने सरकार हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की और अस्पताल की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। अस्पताल की तरफ से मेरे खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई कराई गई है और अस्पताल प्रबंधक से मुझे जान माल का खतरा है, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठी प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। वहीं बदायूं CMO मंजीत सिंह से बात की गई तो उनका कहना ये है कि मामला सामने आया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो पार्ट वहाँ जो पेशेंट भर्ती हुआ था तो वो एक्सपायर हो गया था, तो चक्कर में दोनों लड़ाई हुई है, तो सरकार हॉस्पिटल वाले ने भी उन पर तोड़फोड़ का आरोप लगा रिपोर्ट करी, उन्होंने उनसे की। तो हमने फिलहाल जो है 2 ACMO की एक टीम बना दी है, वो उसको जाकर उन्होंने देख लेगी क्या हुआ है, अभी पुलिस में क्या कार्रवाई, उसके बाद जो है तब तक के लिए इसे हम स्थगित कर दिया, 15 दिन में अस्पताल ना चला है, चिट्ठी भेज दी। तो सर वो बीच बीच में हॉस्पिटल तो खुल रहा है अभी, उसके हम दिखाते खुला गलत खुला, चिट्ठी भेज दी, दिखा रहे बंद कराएंगे उसे जब तक खुला होगा। अच्छा, उसके जो मतलब मृतक था उसके परिवार वगैरह भी यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन भी किया गया था CMO ऑफिस आके, क्या है सर? हम उससे कह सकते बाकी बंद करवा, पुलिस वाले में बात ही हुई थी ऐसे ऐसे मेरी, हम उसको देखेंगे, ये काम पुलिस का है ना। नहीं, उन लोगों का मतलब पीड़ित परिवारों का आपके यहाँ ऑफिस पे भी धरना प्रदर्शन हुआ? नहीं, यहाँ कोई दर्द नहीं आया, सिर्फ मेरे का दो लोगों की टीम बनी, हम उसको जो जाँच होगी सारी, लेकिन हमें कोई छिपाना नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में दोषी कौन होगा और किस पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। 7A न्यूज़ के लिए बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट।